तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप अपने घर में अपना खुद का एक बजटेड होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 6000 रुपीज़ के अंदर। इसमें हमने यूज़ किए थे बेस्ट इक्विपमेंट जो कि अवेलेबल थे इस प्राइस ब्रैकेट में। आपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, आप में से काफ़ी लोगों ने ये इक्विपमेंट्स बाय किए, ट्राई किए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर किए। आई एम ग्लैड कि इन इक्विपमेंट्स के थ्रू आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी, आपके ऑडियो आउटपुट की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है। सो गाइज, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि होम स्टूडियो हमारा सेटअप हो रहा है, इक्विपमेंट्स हमारे आगे हैं, बट विच इज़ द बेस्ट पीसी और लैपटॉप for the home studio. So guys, it's your boy Sultan and you are watching No Hip Hop. Today we're gonna discuss about the best budgeted laptops for your home studio, coming straight away to you. आज हम बात कर रहे हैं होम स्टूडियो सेटअप की, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, वो होने वाली है आपके सिस्टम की, चाहे वो एक पीसी हो या फिर एक लैपटॉप हो। बट यू हैव टू बी वेरी चूजी, वेरी केयरफुल कि आप अपने स्टूडियो की सबसे बड़ी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि ये सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके आपके स्टूडियो में और काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहने वाला है, कम से कम 5 से 7 साल आपके साथ रहने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं 2-3 फैक्टर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको अपने होम स्टूडियो के लिए एक लैपटॉप लेना है या फिर एक पीसी लेना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि जो भी आपका सिस्टम हो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप की या पीसी की, तो ये सस्ते ज़रूर आते हैं। इसमें दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको अपग्रेडेशन या कस्टमाइजेशन के आपको फ़ीचर्स मिल जाते हैं, बट लैपटॉप जो होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल है, थोड़े महंगे ज़रूर हैं बट ज़्यादा रिलायबल है। आप ऑन द गो आप अपना म्यूज़िक सफ़र नहीं होता है, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो गाइज, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा एक लैपटॉप लेने के लिए, भले ही वो एक बेसिक एंट्री लेवल लैपटॉप हो, बट सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप लैपटॉप को हमेशा प्रेफर करें अगर आप एक बेसिक होम स्टूडियो पर काम कर रहे हैं। सो गाइज, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका डॉ। डॉ बेसिकली होता है आपका डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिसके ऊपर आप अपना म्यूज़िक कंपोज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मास्टरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो डॉ आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और वो कौन से सिस्टम्स पे वो कन्फिगर्ड हो जाता है। आज की डेट में जितने भी हमारे पास मेजर डॉ हैं वो सारे के सारे आपके लैपटॉप पे भी चलते हैं, डेस्कटॉप पे भी चलते हैं, विंडोज़ पे भी चलते हैं और मैकबुक पे भी चलते हैं। सो गाइस, जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फोर्स करने के लिए, वो है आपका बजट। आई एम श्योर कि जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, बजट उनके लिए बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट रहने वाला है। तो हम सिर्फ उन्हीं लैपटॉप की बात करेंगे जो बेसिक एंट्री लेवल पे होंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल करते होंगे और म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शंस होंगे। सो गाइस, जितने भी डॉ होते हैं इनकी अपनी एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट होती है जो कि लैपटॉप में होनी ही चाहिए, ताकि ये जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी ये डॉ है, ये इजीली स्मूथली उस पर रन कर सके। आप इन डॉ में अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसमें आप प्लगइन्स डालेंगे, इंटरफेसेस आप अलग अलग उसमें यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये इशू आएगा कि आपकी लैगिंग आएगी आपको उसमें, आपको स्मूथ फंक्शनिंग की इशूज़ आएंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है इन डॉ की वो होती है i3 प्रोसेसर होना चाहिए, 8GB रैम होनी चाहिए और मिनिमम 256 उसमें आपका हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए, ताकि आपका जो डॉ है वो स्मूथली फंक्शन करे और उसमें आपको कोई लैगिंग या फिर आपको कोई और इशू ना हो। हम जितने भी लैपटॉप्स की बात करने वाले हैं, ये सारे के सारे लैपटॉप्स इन मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस को फुलफ़िल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट लैपटॉप। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट लैपटॉप है वो है HP ब्रांड का। HP एक वेल नोन ब्रांड है, वेल ट्रस्टेड ब्रांड है। इंडिया में HP काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहा है, तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज और आपको उसे परचेज करने में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। HP का जो स्पेसिफिक मॉडल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मॉडल ये है। सो गाइस, HP का ये मॉडल है इंटेल कोर i3 6th जनरेशन प्रोसेसर के साथ ही आता है। 15.6 इंच की इसकी स्क्रीन है, 8GB रैम आपको इसके साथ मिलती है, मतलब आपको लैगिंग की इशू नहीं होने वाली है। प्रोडक्शन के टाइम जब अपने हैवी डॉप यूज़ करते हैं, प्लगइन्स यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें कोई लैगिंग आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, काफ़ी स्मूथ ये काम करने वाला है। 1TB हार्ड डिस्क इसमें आपको साथ में मिल रही है, 1TB हार्ड डिस्क मतलब अगेन आपको लैगिंग का इशू नहीं आने वाला है। आप मल्टी डॉस पे काम कर सकते हैं, मल्टी प्लगइन्स पे काम कर सकते हैं, मल्टी प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, स्पेस का आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है। 2GB के ग्राफिक कार्ड्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने ऑडियो के साथ साथ ही इसमें अपने विजुअल्स
और अपनी इमेजरी एडिटिंग आप कर सकते हैं, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होने वाले हैं। प्राइस जो इसका इंडिया में इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 38,000। ये बेसिक लेवल पे आपका सबसे सस्ता, सबसे रिजनेबल, सबसे बजटेड लैपटॉप है आपके होम स्टूडियो प्रोडक्शन के लिए, जो आपको हेल्प करने वाला है। सो गाइस, अगर आपका बजट थोड़ा सा बेटर है तो जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन इसके रिजल्ट्स रहते हैं। इसको कहा जाता है लिनोवो का G50 मॉडल। ये जो मॉडल है इसकी 15.6 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है। बेसिकली जब भी आप अपने लैपटॉप पे काम करते हैं तो काफ़ी माइन्यूट डिटेलिंग पे आपको काम करना पड़ता है, तो उसके लिए 15.6 इंच की जो स्क्रीन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है कोर i3 प्रोसेसर जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। 8GB रैम आपको इसमें मिलती है, और जो बेस्ट चीज़ इसमें आपको साथ साथ में मिलती है वो आपका 500GB का स्पेस। 500 काफ़ी GB स्पेस होता है, इसमें आप अपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारे आप इसमें अपने प्लगइन्स इजीली सेव कर सकते हैं, आप इसमें डॉ इजीली सेव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 2 DAW भी इसमें अलग अलग ब्रांड्स के यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ विंडो 10 ऑपरेटिंग के साथ ये फुली लोडेड आता है, और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 39,000 प्राइस रेंज में दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप जो आप अपने होम स्टूडियो के लिए ले सकते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो इस पूरी सीरीज का सबसे फेवरेट लैपटॉप है मेरा। अगर मेरे को पर्सनली कोई पिक करना हो तो दिस इज द लैपटॉप आई एम गोइंग टू पिक। ये लैपटॉप है एसस का विवो क्लासिक लैपटॉप। सो गाइस, एसस एज यू नो काफ़ी वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी टाइम से काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये करते आ रहे हैं, इनके फीचर्स ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बट जो स्पेशली ये लैपटॉप है ये म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए क्यों सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके जो फीचर्स हैं वो इसे बेस्ट बनाते हैं। फीचर्स क्या है मैं आपको फटाफट बताता हूँ। सो गाइस, इसका जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि ये इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ आता है, वो भी 10th जनरेशन, जो कि सबसे लेटेस्ट है और सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपको देता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें ये है कि 14 इंच की जो स्क्रीन है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। 8GB का इसमें आपको रैम मिलता है, 1TB की इसमें आपको हार्ड डिस्क स्पेस मिलती है। सो गाइस, ये लैपटॉप प्री लोडेड आता है विथ विंडोज 10 जो कि काफ़ी स्मूथ फंक्शन करती है, काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है इसका। और साथ ही साथ इसके अंदर आता है एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। अब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपको कहाँ यूज़ करने वाले हैं आप, तो अगर आप म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं अपने सॉन्ग प्रोडक्शन के बाद, अगर आप म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं, अपनी वीडियोस खुद से एडिट करते हैं, आप अपने एल्बम के आर्टवर्क खुद बनाते हैं, अपने सिंगल्स के आर्टवर्क खुद बनाते हैं, आप इमेजरी पे और विजुअल्स पे, वीडियोस पे काफ़ी काम करते हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड आपको वहाँ पे काफ़ी हेल्प करते हैं। आपकी जो ऑपरेशन है ओवरऑल वो स्मूथ हो जाते हैं, आपको जो विजुअलाइजेशन देखने को मिलती है, क्लैरिटी देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। प्राइस रेंज है इसकी इंडिया में 46,000। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी लैपटॉप से जिनके बारे में हमने बात की, बट फीचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस फीचर्स मेक इट वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप फॉर द म्यूजिक प्रोडक्शन विंडो बेस्ड लैपटॉप की अगर हम बात करते हैं तो। सो गाइस, जो हमारा फोर्थ लैपटॉप है इस सीरीज में वो है एसस का एस्पायर। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स है इस लैपटॉप के, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जो भी हमने फीचर्स की बात की थी एसस के लैपटॉप के बारे में, एग्जैक्टली वैसे ही फीचर्स इसके साथ भी आते हैं, इसमें कुछ एडिशनल आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। सो गाइस, ये है एसर का एस्पायर 3-कोर i5 प्रोसेसर पर चलने वाला लैपटॉप। 8th जनरेशन प्रोसेसर इसमें लगा है। इसकी स्क्रीन भी अगेन 15.6 इंच की स्क्रीन है। इसमें जो दूसरा फीचर है वो ये है कि इसमें अगेन आपको 8GB की रैम मिलती है, अगेन आपको 1TB की हार्ड डिस्क मिलती है। सो गाइस, इसमें आपको विंडो 10 प्रीलोडेड मिलता है, 2GB का आपको इसमें ग्राफिक कार्ड मिलता है। इंडिया में जो इसका प्राइस है वो है अराउंड 47,000। एसर और एसस दोनों के ही प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, फीचर्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। सो गाइस, कमिंग टू एप्पल्स मैकबुक सीरीज, अगर आप मैकबुक की बात करते हैं तो आपको इसमें 2 वेरियंट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज एयर एंड द सेकंड वन इज प्रो। यूज़र फ्रेंडली है, ड्यूरेबल है। सबसे बड़ी बात यह कि आप एक बार ही मैकबुक ले लेते हो तो आपके साथ 8 साल वो ईजिली चला लेते हैं। इट्स इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इसमें आप जो आपको चीज़ में ध्यान रखनी है कि अगर आप एयर लेते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप एयर के साथ आप अपना काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि मैकबुक प्रो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। तो अगर आप एयर लेते हैं तो एयर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सो गाइज, आपको इसमें मिलने वाली है 13 इंच की स्क्रीन, 1.1GB क्वाड कोर 10th जनरेशन का इंटेल i5 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है। इंटेल i5 अपने आप में काफ़ी स्मूथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है 8GB का रैम और 512GB का हार्ड डिस्क स्पेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हार्ड डिस्क स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर। साथ ही साथ जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी प्रोसेसिंग है, जो इसकी इनबिल्ट पावर है,
वो काफ़ी स्ट्रांग है। स्पेशली जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, चाहे वो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप अपना ऑडियो प्रोडक्शन कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, इलस्ट्रेशंस कर रहे हो, आप इसमें कोरल ड्रॉ के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर कोई इमेज के ऊपर आप काम कर रहे हो, किसी भी तरह का क्रिएटिव काम अगर आप कर रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमेशा से ही मैकबुक रहा है। बट अगर आपके बजट में ये नहीं है, तो मैं आपको अगेन आई विल रिकमेंड यू टू टेक एनी ऑफ द लैपटॉप जो आपके बजट में आता है। जो मैंने ऊपर अभी आपको 4 लैपटॉप के बारे में बताए हैं, सारे लैपटॉप बेहतरीन है, हर एक में अपनी बेस्ट फीचर्स है, हर एक लैपटॉप की अपनी बेस्ट फीचर्स है जो उसे दूसरे लैपटॉप से अलग करते हैं। इट्स योर टर्न नाउ, यू हैव टू पिक कि आपको कौन सा लैपटॉप सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। पर्सनली अगर आप मेरे से बात करें, फॉर मी विंडोज़ लैपटॉप में एसस इज द बेस्ट वन, एंड अगर आप मैकबुक की बात कर रहे हैं, एप्पल बेस्ड iOS बेस्ड लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप मैकबुक एयर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना होम स्टूडियो का काम। सो गाइस, आज हमने डिस्कस किया है अबाउट 4 to 5 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लैपटॉप जो कि आपको आपके होम स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में है। तो आई एम श्योर एंट्री लेवल, बिगिनर्स लेवल पे अगर आप आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस होने वाले हैं। बहुत सारे लैपटॉप के बारे में मैंने सिर्फ इसलिए बात नहीं की क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो लैपटॉप क्रिएटिवली जो आप काम करने वाले हैं, ऑडियो प्रोडक्शन का या वीडियो से रिलेटेड भी अगर आप कुछ काम करने वाले हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट फिट नहीं है। वी हैव ओनली टॉक्ड अबाउट द बेस्ट पॉसिबल लैपटॉप फॉर योर होम स्टूडियो। तो गाइज, आई एम श्योर आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एपिसोड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप, टिल देन लव एंड पीस।